दोस्तों नमस्कार एक ऐसा पत्रकार मिला है जिसने देश को धन्य कर दिया है नफरतों की बाढ़ में डुबो दिया है हिंदुस्तान की भावनाओं को वो पत्रकार जो है शमशानों की बात नहीं करता शमशानों में जलती हुई चिताओं की बात नहीं करता लेकिन वो बात करता है तो बंगाल चुनाव की बात करता है उसे करोना में मरने वाले लाखों हिंदुओं का दुख नहीं है लेकिन उन मुसलमानों के बारे में नफरत ज़रूर है जो मुसलमान नफरतें फैलाते रहते हैं उन मुसलमानों का डर हिंदुओं के प्रति दिखाया जाता है लेकिन करोना के प्रति डर हिंदुओं में नहीं बांटा जाता हिंदुओं में तो केवल गौ का मूत्र बांटा जाता है गोर बांटा जाता है कि ये खाइए ओढ़िए आप सुरक्षित रहेंगे बस यही चलता रहता है हिंदुस्तान की उस जनता के बीच जो खबरें मंत्रों तंत्रों और ताबीजों की तरह आ जाती हैं। बात करेंगे कैसे पापी पत्रकार की हाँ वो पापी पत्रकार है क्योंकि उसका पेट है और पेट का जो है पापी पेट का सवाल है जिसके पेट का पापी पेट सवाल हो तो वो हिंदुस्तान को पूरे को लपेट सकता है वो सिस्टम पर तो सवाल उठाना तो छोड़िए वो अपने बाप से भी नहीं पूछेगा बाप तूने पैदा किया था या किसी और की पैदाइश हो खैर छोड़िए ये उनका आंतरिक मामला होगा जो खबर में लेकर के आपको आया हूं आपके बीच ट्विटर इंडिया से खिलाफत की गई है उनकी एक ट्वीट की जिसमें इनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है अर्णब गोस्वामी की और हो सकता है कि ममता बनर्जी इनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दें कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं अर्नब गोस्वामी मेरे पास ऐसे सूत्र हैं जिनसे पता चला है कि ममता बनर्जी बहुत कड़ी कार्रवाई कर सकती हैं अर्नब गोस्वामी के खिलाफ इन्होंने ट्विटर पर 6 मई 2021 को ग्यारह बजकर के चौंतीस मिनट पर एक ट्वीट डाला जिस ट्वीट में यह व्यक्ति जो है ट्विटर की गाइडलाइंस को मतलब जो है तोड़ देता है यूट्यूब की गाइडलाइन को तोड़ देता है रविशंकर प्रसाद द्वारा कही हुई नफरत की बातें ना फैलाओ वरना ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया जाएगा उसके बारे में बोलता है लेकिन रविशंकर प्रसाद को लगता है कि शायद ये सत्यनारायण की कथा कह रहे थे अर्णब गोस्वामी जो इनके ट्वीट डिलीट नहीं किए जाते क्या बोलते हैं कहां तक भागोगे हिंदुओं छह करोड़ हिंदू हैं बंगाल में अगर 6000 हजार भी हथियार उठा लें तो स्थिति बदल बदल जाएगी गुंडों के बीच रहना है तो गुंडा बनना पड़ेगा लेकिन यहां ट्वीट करते वक्त ये भूल जाते हैं कि इन्हें हिंदू लिखना, लिखना था मुसलमान लिखना था हैश करके इतना तो इनका ज्ञान है इस व्यक्ति का जिसको बोलते हैं बड़ा सुपर पत्रकार है ये पत्रकार मेरे सामने एक बार इंटरव्यू लेकर के आ जाए इसकी कोट पैंट से लेकर के पैंट ना उतारी ना मेरा नाम आजाद हिंद आवाज का मनोज शर्मा नहीं फिर एक दूसरा ट्वीट आता है भाई साहब का चार मई इक्कीस का इन्होंने लिखा है ये ट्वीट ग्यारह बज के तैंतालीस मिनट पर सुबह बंगाल में मुसलमान हिंदुओं की सिर्फ हत्या और लूटी नहीं महिलाओं का अपहरण और गैंग रेप भी कर रहे तुम्हारी केंद्र सरकार क्या ये बनी बैठी है ये सवाल करूं अब दोस्तों अर्नब की दास्तान तो मैंने आपसे कह दी लेकिन अब दास्तान अब करेंगे और पूछेंगे सवाल हिंदुस्तान की सरकार से एक तरफ जहाँ सरकार सवाल पूछने पर लोगों को जेल भेज देती है कफील हों शर्मील हों या जितने भी लोग हों कितने लोग जो एक्टिविस्ट थे जो करोना के बारे में सवाल पूछ रहे थे बीमारी के बारे में सवाल पूछ रहे थे उनको जेल में ठूंस दिया जाता है केवल उनका कसूर यह है कि वो मुसलमान हैं ये दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश में या पूरे प्रदेश में या पूरे देश को कि मैं मुसलमानों का सख्त विरोधी हूं प्रधानमंत्री मोदी तो कुछ भी कर सकते हैं अब वो इसी के सहारे वोट लेना चाहते हैं लेकिन शमशानों का भी हिसाब किताब दे दीजिए जिन शमशानों में हिंदू कोरोना से मर रहे हैं क्या उनके लिए वैक्सीन के लिए आपने प्रायोरिटी पर अपने संसदीय क्षेत्र में व्यवस्था की शायद नहीं की होगी लेकिन आपके नफरती चिंटू जो हैं नफरतें फैलाते रहते हैं बहुत सारे मुसलमानों के ऑक्सीजन प्लांटों से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है हिंदुओं को बहुत सारे मोंडन भाई चिताएं जला रहे हैं हिंदुओं की क्योंकि उनके अपने उनकी लाशों को नहीं उठा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी क्या आपने आपकी भारतीय जनता पार्टी ने क्या उनके नेताओं ने एक भी ऐसी हिंदू डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया है जो कोरोना से मरी हो या आपका संघ या आपके वो बख्शी या आपके वो लोग जो बड़े बड़े दावे करते रहे आज तक वो कहीं सेवा में नज़र नहीं आते राष्ट्रभक्ति के नाम पर एक जनरल बख्शी थे वो भी नज़र नहीं आते एक तुम्हारे संघ के वो संगी हैं अंगी हैं पता नहीं कौन है वो भी नज़र नहीं आते राकेश सिन्हा कहीं नज़र नहीं आते संघ के चड्डीधारी कहीं नज़र नहीं आते क्या चुपचाप सहायता करते हो क्या श्रीनिवास करते हैं तो वो समझ में आता है वो सबूत देते हैं लेकिन उनको भी आप ऑक्सीजन बांटने से रोक देते हो लेकिन अर्णब गोस्वामी जैसे लोग और कंगना राणावत जैसे लोग हिंदुस्तान में नफ़रत फैलाने के लिए बने हैं और ये नफरत फैलाने के लिए बने हैं लेकिन इनके चक्कर में ना तो कोई समझदार हिंदू पड़ता है ना समझदार मुसलमान पड़ता है सबको पता है कि ये एक जहरीली खेती है कोरोना की तरह वायरस है जो प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद आ गया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उस सुपर वायरस के आविष्कारक हैं जिन्होंने इस देश की माँ बहन एक करने की सुपारी ले ली है विदेशों से क्योंकि विदेशों में चाइना को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है हिंदुस्तान से चाइना से सारे सामान मंगाए जा रहे हैं मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया सब गायब हो गया है बाहर से जितना भी सहायता आ रही है वो कहाँ जा रही है कैसे जा रही है कुछ नहीं पता कोई उसके बारे में मीडिया भी सवाल नहीं करता लेकिन अर्णब गोस्वामी और मीडिया को लगा दिया जाता है कि बंगाल चुनाव बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी को आप बताइए कि हिंदू और मुसलमानों में क्या लड़ाई चल रही है इनको हिंदुओं के मरने का गम नहीं है ये बस मुद्दे डाइवर्ट करना चाहते हैं आज पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश से लेकर के सारी स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज प्रदर्शन किया बंगाल हिंसा के खिलाफ लेकिन ये गुजरात का एक वीडियो डाल रहा जहां पर गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की मेयर आई और उनको गुजरात के लोगों ने खदेड़ दिया जूते मार मार कर कि ये वीडियो गवाह है सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है तो दोस्तों क्या कहें किसकी कहें क्यों कहें किस लिए कहें यह जवाब केवल वो लोग बोलेंगे जो लोग निराशावादी हो गए होंगे मैं आशाएं देखता हूं अपने उस हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान एक भारतवासी होने के नाते दूसरे भारतवासी की मदद कर रहा है ना वो हिंदू है ना मुसलमान है ना वो सिख है ना ईसाई है मैं उस किसान के बारे में बोल रहा हूं जो किसान बिना भेदभाव के खड़ा है देश के साथ अजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि आज उनका निधन कोरोना से हो गया काफ़ी लोगों का हुआ अकेले वो स्पेशल नहीं थे लेकिन चार हजार लोग मारे गए तो उनको मेरे दिल से श्रद्धांजलि शायद मीडिया श्रद्धांजलि देने से भी बचता है प्रधानमंत्री मोदी की जुबान को भी लकवा मार जाता है दोस्तों अर्नब गोस्वामी के ये बोल कितने अच्छे थे कितने गलत ये डिसाइड आप कीजिएगा ये फैसला मैं जनता पर छोड़ता हूँ जनता की अदालत पर छोड़ता हूँ नमस्कार जय हिंद दोस्तों